गुड मॉर्निंग। आज घटना जो टॉपिक है वो है राजनीति का अपराधीकरण। लंबे समय तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा तो भारतीयों की जिंदगी बदतर हो गई, क्योंकि अंग्रेज अपना हित साधने के लिए भारतीयों के हितों की कुर्बानी देते थे और उनका आर्थिक शोषण किया जाता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो भारतीयों ने ये अपेक्षा की कि अब हमारा जो जीवन है, जीवन का स्तर है, वो बदलेगा, परंतु कोई विशेष अंतर नहीं आया। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन प्रतिदिन अब भी बढ़ रही है। जो सपने उन्होंने स्वतंत्रता के देखे थे गरीब तबके में, वो उनके पूरे नहीं हुए। गरीब और अमीर के बीच की खाई स्वतंत्रता के पश्चात और बढ़ गई, यानी उसमें सुधार नहीं हुआ। भारतीय राजनीति की जो दशा उसमें अपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल होने से स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। यानी राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों ने प्रवेश कर लिया, जिससे भारतीय लोकतंत्र दिशा विहीन हो गया। यानी हमारी जो राजनीतिक पार्टियों की कार्य करने की क्षमता है और उसकी दिशा है, वो दोनों में ही परिवर्तन आया। अब जो राजनीति में जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति आई, उसको भी उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत में चुनाव आयोग ऐसे ऐसे प्रतिबंध भी लगाता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करता तो उसका चुनाव रद्द करने का भी प्रावधान किया है। ईवीएम मशीनों से मतदान करना कराना प्रारंभ किया कि जिससे मतदान की जो प्रक्रिया है वो स्वच्छ रूप से हो सके। ईवीएम से मतदान प्रणाली प्रारंभ की और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति चुनाव आयोग करता है, जो निष्पक्ष रूप से चुनाव के ऊपर नजर रखते हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ माने जाते हैं उनकी चुनाव आयोग वीडियोग्राफी भी करवाता है। ऐसे विभिन्न प्रावधान चुनाव आयोग करता है जिससे इन पर अंकुश लगे, परंतु राजनीति में अपराधियों की जो साठ गांठ है वो काफी गहरी है, क्योंकि राजनेताओं को राजनीति के गलियारों तक पहुंचने के लिए राजनेता इन अपराधियों का सहयोग लेते, और जब वो राजनीति में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो वो इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ा और ये भारतीय राजनीति के लिए चिंताजनक
चिंताजनक बात है। अगर राजनीति अपराधीकरण का अर्थ क्या, यानी राजनीति का राजनीति के राजनीति अपराधीकरण का अर्थ, यानी राजनीति के अपराधीकरण का क्या, इसके लिए अपन साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि अपराधिक प्रवृत्ति या पृष्ठभूमि के लोग, अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति को परोक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि के लोग राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यही राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। या सत्ता प्राप्त करना करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अपराधी के पृष्ठभूमि के लोगों का सहयोग लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। अपराधीकरण कहलाता है, यानी राजनीति के अपराधीकरण यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी पृष्ठभूमि के लोग राजनीति को प्रभावित कर रहे, वो राजनीति का अपराधीकरण या सत्ता प्राप्त करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों का जो सहयोग लिया जाता है उसे भी राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। ये ही राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है। क्यों? अब जब विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव मैदान में आते हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी नीतियों से जनता को प्रभावित नहीं कर पाते, अपने कार्यों से प्रभावित नहीं कर पाते, तो वो धन और बाहुबल का उपयोग करते हैं जिससे अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का उन्हें सहयोग लेना पड़ता है। धन बल और बाहुबल इन दोनों का बोलबाला राजनीति में हो गया और वो लोगों को डराकर धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करवाना चाहते हैं, इसलिए वो अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से सांठगांठ करते हैं और वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। जब वही
राजनीतिक उसी राजनीतिक दल के नेता जब सत्ता में आ जाते हैं तो जो अपराधी पृष्ठभूमि के लोग हैं वो उनसे अनुचित फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और उस दल के नेता जिनका उन लोगों ने सहयोग किया है वो उनको संरक्षण प्रदान करता है, जिसके कारण राजनीति में अपराधीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब है राजनीतिक अपराधीकरण के कारण राजनीति के अपराधीकरण के कारण कि राजनीति का अपराधीकरण क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, इसको बढ़ावा क्यों मिलता है, इसके अंदर अपन पहला कारण देख सकते हैं। राष्ट्रीय चरित्र का पतन, राष्ट्रीय चरित्र का पतन यानी जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों में, वहां के निवासियों में, जनता में होनी चाहिए, उस राष्ट्रीयता की भावना का विनाश हो रहा है और राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो रहा है। वो स्वयं अपना हित देखते हैं और राष्ट्रीय हितों की बलि देते हैं, इस तरह से राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो गया और यही राजनीति के अपराधीकरण का कारण बना। जहां राष्ट्रीयता की भावना को टूटकर भरी हुई है वहां राजनीति में अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। क्यों? राष्ट्रीयता और अपराधी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा है गरीब, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी ये ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को के चरित्र के पतन के कारण बन सकते हैं। गरीब व्यक्ति को अनुचित कार्य करवाने के लिए बरगलाना, प्रेरित करना सरल होता है, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण पेट की जठराग्नि शांत करना उसका उद्देश्य होता है और उसको शांत करने के लिए उसे यदि गलत काम के लिए भी प्रेरित किया जाए तो वो प्रेरित हो जाता है। इस तरह से अपराधीकरण का गरीबी भी कारण बनती है, क्योंकि उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। ऐसी सा अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो अपना
आदि पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा उसको शीघ्र बदलाया जा सकता है और उसका बेहोश करके अपराध करने में धकेला जा सकता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है, विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसे कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो अपना भविष्य, यदि उसको रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वो अपने रोजगार के अंदर संलग्न हो जाता है और राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाने में अपना सहयोग देता है। परंतु यदि उसे रोजगार नहीं मिला तो वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से संपर्क में आने बाद वो उनके चंगुल में फंस जाता है और अपना भविष्य उस दिशा में ही देखता है और अपने जीवन को संवारना चाहता है। तो बेरोजगारी के तीन कारण, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, ये तीनों राजनीति के अपराधी बनने में सहयोग करते हैं। तीसरा है जो राजनीति के नेता है, यानी राजनेताओं राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता पर ध्यान देना, जो राजनेता है या राजनीतिक दल है वो राजनीति के गलियारों में पहुंचने के लिए या राजनीति में बैठ जाना मानने के लिए पवित्र साधनों पर बल नहीं देते, वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सत्ता के गलियारों में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े, चाहे धन बल काम में लेना पड़े, चाहे बाहुबल काम में लेना पड़े, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े, वो प्रत्येक चीज का जो साधन है राजनीति में पहुंचने के, उनकी पवित्रता का ध्यान न तो राजनीतिक दल रखते और न ही राजनेता रखते। इसलिए राजनेता को राजनीतिक द्वारा साधनों की पवित्रता पर जब ध्यान नहीं दिया जाता तो राजनीति का प्राधिकरण होता है। चौथा, पुलिस राजनेताओं पुलिस राजनेताओं नौकर संघ साठ
ज्यादा अब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी पुलिस जिसके पास लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है और यदि कोई कानून के विरुद्ध काम करता है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार है। राजनेता जो राजनीति करते हैं नौकर साहब बड़े बड़े अधिकारी और अपराधी इनमें एक साठ गांठ होती है। जैसे अपन आए दिन सुनते हैं कि पुलिस एसीबी की कार्यवाही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फला अधिकारी को पकड़ा, फला नौकर साहब को पकड़ा, तो इनकी इन अपराधियों से साठ गांठ होती है और ये लोग इस साठ गांठ के कारण ही राजनीति का अपराधीकरण होता है। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव पांचवा क्या है? चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जो चुनावी राजनीति है उसमें वो बाह्य तत्व प्रभावित करते हैं। चौथा है कानूनों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता। कानून बहुत अच्छा, कानून अच्छी बात के लिए बना हुआ, परंतु उसको जो नौकरशाह है उनके द्वारा पूर्ण ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता, उसकी पालना नहीं होती, जिससे अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती। न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां, न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां कमी। न्यायिक प्रणाली भारतीय जो अदालत न्यायालय उनमें न्याय मिलता है, परंतु न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। यानी उसकी खामी क्या है कि न्याय मिलने की प्रक्रिया लंबी है, तो लंबी प्रक्रिया के कारण प्रत्येक व्यक्ति समय पर न्याय नहीं कर पाता, न्याय प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए राजनीति का अपराधीकरण पड़ता है। आठवां है राजनीति के जो दल हैं उनमें सत्ता प्राप्त करने की तीव्र लालसा, ये भी राजनीति में अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है। निर्वाचन प्रणाली में भी कुछ खामियां हैं और शासन की क्षमता और गुणवत्ता में दसवां क्या है? शासन की क्षमता और गुणवत्ता में गिरावट आई है, ये देखने को मिला। अपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व जनता में स्वीकार्यता, धन बल बारवा है, धन बल और राजनीति इन तीनों का मिलना ये भी राजनीति के अपराधिकरण को प्रेरित करता है।